हेलो एवरीवन, आई एम विश्नोई एंड वेलकम यू ऑल टू विश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन मायोकार्डियल इंफेक्शन। हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में आपका जो लिवर है उसकी अगर कोई डिजीज हो जाए तो उस टाइम पे वो लिवर कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करता है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर हमें कौन कौन से एंजाइम्स का लेवल एलिवेटेड मिलेगा या फिर मैं कहूं कि इंक्रीज्ड मिलेगा। ये जो वर्ड है मायोकार्डियल इंफेक्शन, इसको देख के घबराना नहीं है। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं तुम्हें सभी अभी क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मायोकार्डियल इंफेक्शन को हार्ट अटैक भी बोल देते हैं या फिर हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं। अब ये मायोकार्डियल इंफेक्शन होता कैसे है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन की डेफिनेशन कहती है, इट इज द नेक्रोसिस ऑफ हार्ट सेल ड्यू टू इस्कीमिया। इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। इट इज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, जो सेल डेथ होती है उसे हम नेक्रोसिस बोल देते हैं। इट इज द नेक्रोसिस ऑफ हार्ट सेल, मतलब हार्ट सेल की डेथ हो रही है। क्यों हो रही है, ड्यू टू इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है, जब आपकी बॉडी में किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती या फिर जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। अब देखो, ये आपका हार्ट है, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है कोरोनरी आर्टरी। ये लो, ये मैंने बना दी यहां पे कोरोनरी आर्टरी। तो ये आपका हार्ट, ये कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। उस ब्लड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ कैरी कर रही है। अब जो हार्ट के पास ऑक्सीजन मिल रही है वो उसे इसी आर्टरी से मिलेगी। और ये लो, ये ब्लड बना दिया तुम्हारा, ये ब्लड आके इसको, इसके सेल्स को, हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। अब अगर इस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये लो यहां पे ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई या फिर ये कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो उस टाइम पे ये जो ब्लड फ्लो है हार्ट को वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर उसे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और इसकी वजह से इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। और उसी इस्कीमिया की वजह से जो तुम्हारे हार्ट के सेल्स होंगे, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू कर देंगे। ये लोग, ये तुम्हारे हार्ट से पहले खुश थे, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो मरना शुरू हो गए और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर तुम्हारा ये हार्ट के जो सेल्स हैं वो बहुत थोड़ी, मान लो कि इतने सेल्स तुम्हारे हार्ट के हैं, अगर एक बार किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया और उसमें इतने से सेल्स तुम्हारे डैमेज हो गए, पर बाकी के सेल्स तो काम कर रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारा हार्ट काम करेगा। अब अगर नेक्स्ट टाइम फिर से कोई हार्ट अटैक आ रहा है और उसने इतने सेल और डैमेज कर दिए, ठीक है, और अब किसी पेशेंट को तीसरी बार हार्ट अटैक आ रहा है तो उस टाइम उसके और सेल डैमेज हो गए। इसीलिए कहते हैं ना कि जितनी बार आपको हार्ट अटैक आए उतना ही आपको को खतरा बढ़ता रहता है आपकी जान को। तो यही था आपका ये मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोल देते हैं। अब इसके जो कॉजेज आ जाएंगे वो तुम्हारे आ जाएंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंसिव, एन्यूरिज्म, वो सारे इसके कॉजेज आ जाएंगे। साइन एंड सिम्टम्स भी इसके आएंगे, आपके हो गए हेडेक और एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। जब आपको चेस्ट पेन होता है उसे हम एंजाइना बोल देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन या फिर जो हार्ट अटैक का पेन है वो हमेशा आपकी लेफ्ट साइड में होगा, आपकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड है वहां पे आपको पेन होगा और पूरी बॉडी में पेन नहीं होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है और ये जो दो लास्ट फिंगर्स हैं इनके अंदर आपको सबसे ज्यादा पेन होगा मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर। तो अब आगे देखते हैं हम एंजाइम्स फॉर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन मायोकार्डियल इंफेक्शन। अगर आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन क्लियर है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे,
अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे उसका जो हार्ट है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है मतलब हार्ट अटैक आया है, तो उसका हार्ट है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा तुम्हारे ब्लड के अंदर। ये लो, ये वो एंजाइम आ गए, ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दो, ये वो एंजाइम आ गए। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हार्ट ने हार्ट अटैक आने पे तुम्हारे ब्लड के अंदर रिलीज किए हैं, उनको हम अब आगे देखेंगे। तो ये मैंने यहां पे कुछ चार एंजाइम्स लिखे हैं जिनका जो लेवल है जब हार्ट अटैक आएगा तब इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो फर्स्ट एंजाइम है वो है तुम्हारा क्रिएटिन काइनेज, इसको सीके भी बोल देते हैं, फिर CKMB। अब देखो क्रिएटिन काइनेज की जो फुल फॉर्म है, सॉरी सीके की जो फुल फॉर्म है वो है क्रिएटिन काइनेज। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उस टाइम पे उसका जो हार्ट है वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में ये जो क्रिएटिन काइनेज का लेवल है वो इंक्रीज कर देगा। अब ये लेवल इंक्रीज क्यों होगा, ताकि जो भी पेशेंट है उसका हम डायग्नोज कर सकें कि उसको हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं। हम सिंपली उसका ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम इन सभी एंजाइम्स का लेवल चेक करेंगे कि इनका लेवल नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से एलिवेटेड या फिर मैं कहूं कि अबव है। तो जो फर्स्ट एंजाइम है क्रिएटिन काइनेज, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारी ब्लड के अंदर, दैट शुड बी फ्रॉम 5 to 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। IU यहां पे इंटरनेशनल यूनिट है, कंफ्यूज मत होना, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके, तो अब जो नेक्स्ट एंजाइम है जो हार्ट अटैक आने पे रिलीज होगा वो है तुम्हारा ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन क्या करता है, ये एंजाइम हार्ट की और तुम्हारे बाकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट हेल्प करता है, हार्ट और बाकी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है तुम्हारा ट्रोपोनिन। बट जब हार्ट अटैक आएगा तब भी ट्रोपोनिन का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है वो रहता है ये 0 to 0.4 नैनोग्राम पर ml और 0 to 0.01 नैनोग्राम पर ml। अब देखो ये ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी क्या है। जो ये ट्रोपोनिन है ये टू टाइप्स का मिलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रोपोनिन आई एंड जो नेक्स्ट टाइप है वो है ट्रोपोनिन टी। और ये तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू है ट्रोपोनिन आई के लिए और ये नॉर्मल वैल्यू ट्रोपोनिन टी के लिए। हार्ट अटैक के टाइम इन दोनों का लेवल एलिवेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट एंजाइम आता है वो आता है तुम्हारा AST, इसको एस्पिरेट ट्रांस एमिनेस भी बोल देते हैं। ये आप लोगों ने गोपे, ये मैंने लिवर में भी शायद करवाया था। अब आगे देखो, जब तुम्हारी बॉडी के अंदर एस्पिरेट ट्रांस एमिनेट का लेवल इंक्रीज होगा तो उसका जो लेवल है वो 10 से लेके 30 जो उसका नॉर्मल रेंज है वो उससे अबव चला जाएगा। अब अगर तुम्हें बॉडी के अंदर पेशेंट की एस्पिरेट ट्रांस एमिनेस का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ हार्ट अटैक ही आया होगा, उसको बाकी की डिजीज या फिर डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे पैंक्रियाटाइटिस और हेपेटाइटिस वगैरह, तो उसमें भी ये एस्पिरेट ट्रांस एमिनेस का लेवल एलिवेटेड रहेगा। हम इन चारों एंजाइम में से अगर किसी एक एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उस बेस पे ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। हम इन चारों का लेवल चेक करेंगे, उसका ECG करेंगे और उसी से हम प्रॉपर डायग्नोस बनाएंगे। ये सिर्फ आपके एक तरह के ब्लड टेस्ट है कि इनको हम टेस्ट करके हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो अब आगे देखो जो नेक्स्ट है वो है LDH, इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये भी एक एंजाइम है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मिलता है जब तुम्हें हार्ट अटैक आता है। अब देखो इसका जो नॉर्मल लेवल है वो रहता है तुम्हारा 105 से लेके 330 इंटरनेशनल यूनिट तक। और ये थे तुम्हारे एंजाइम फॉर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मतलब हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा जो डायग्नोज में हेल्प करते हैं, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है जिनकी, वो किसके डायग्नोज में हेल्प करते हैं तुम्हारे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।